भगवान शिव प्रेम का रूप भी अद्भुत है, इसलिए जोड़ी के रूप में अगर देखना हो तो शिव पार्वती की जोड़ी सबसे उत्तम जोड़ी मानी जाती है, जिनका कभी बिछो नहीं हुआ, एक दूसरे से कभी अलग नहीं, और इतना प्रेम। शिव को पाने के लिए पार्वती माता ने कितनी साधना की, अपर्णा वाला रूप उन्होंने धारण किया है, कुछ हजार वर्ष कहते हैं उन्होंने केवल पत्ते खाकर शिव साधना की। जब शिव का वरण हुआ तो देखा शिव जी अपने गले में रुंड माला धारण किए हुए, तो पूछती हैं सब तो अपने आप को अलग तरह से सजाते हैं, ये आपने क्या सजाया हुआ? उन्होंने कहा पार्वती तुम जितनी बार भी इस धरती पर आई हो रूप बदल कर, तुम्हारा शरीर तुम्हारा धरती पर गिरा पर तुम्हारे जो सिर था वो मैंने जमीन पर गिरने नहीं दिया, मैंने उसी का की माला बनाई है, ये जो रुंड माला है ये तुम्हारी है, इसी को मैं धारण करता हूं। इतना प्रेम। कैलाश शिखर पर भगवान शिव बैठे हुए हैं और एक ऋषि हर दिन मानसिक रूप से भगवान शिव की परिक्रमा करते थे। तो मानसिक रूप से आप यहीं बैठे बैठे कहीं भी तीर्थ में चले जाओ, ऐसा ही लगेगा तीर्थ आपके सामने है, आप यहीं बैठे बैठे कैलाश चले जाएं, यहीं बैठे केदारनाथ के दर्शन करने, यहीं बैठे बैठे आप अमरनाथ चले जाएं, बर्फ का शिवलिंग, चारों तरफ दूर दूर तक फैली हुई बर्फ, सफेद बर्फ की चादर के बीच में चलते हुए आप पहुंचे हैं, भगवान शिव का रूप देखकर आप कहते हैं सभी रूप तो आपके हैं। कहते हैं ना कि भगवान के रूप को देखना शिवलिंग बीज जितने भी हैं ये शिवलिंग का रूप है। जितना भी आप ग्रह नक्षत्रों को देखेंगे तो वो गोलाकार जो है नक्षत्र वो शिव का रूप है। मधुमक्खी का छत्ता क्योंकि वो मधुरता का प्रतीक है तो शिव का ही रूप। दीप की जो दीप शिखा है वो ज्योतिर्लिंग है जहां प्रकट होता हुआ दिखाई देता है। बताना ये होता है कि सब जगह वही है, उसी में सब समाया हुआ। तो आप बैठे बैठे यही आंखें बंद करके भगवान के दर्शन करने कहीं भी चले जाए, किसी भी तीर्थ में चले जाए, तो हर दिन वो ऋषि बैठकर आंखें बंद की करें और दर्शन करके आए और समाधि में साक्षात भगवान शिव को देखें। एक दिन उनको मन में आया कि यहीं से उड़ान भरते हैं और कैलाश जाते हैं और जाकर शिव जी की साक्षात परिक्रमा करके आते हैं। वो गए तो देखा शिव और पार्वती दोनों साथ साथ बैठे हैं। उसके मन में आया ऋषि के दोनों के बीचों बीच परिक्रमा करनी चाहिए, बीचों बीच परिक्रमा करेंगे तो मतलब ये होगा कि हम तो केवल मात्र शिव को मानते हैं, तो शिव जी के ही दर्शन कर ले। तो जैसे वो आगे बढ़े शिव जी ने देखा ये हम दोनों के बीच में से होके गुजरेगा, हम दोनों को अलग दिखाना चाहता है, तो समझ गए भोलेनाथ, भोले बाबा तो है ही है लेकिन त्रिकालदर्शी भी तो है ना, अंतर्यामी है, आदमी की भावना को दूर से समझते हैं। भगवान शिव ने ऐसा रूप धारण किया कि पार्वती और शिव दोनों का रूप एक ही हो गया, आधे शिव और आधे पार्वती वाला रूप, अर्धनारीश्वर वाला रूप धारण करके मुस्कुराते हुए ऋषि की तरफ देखने लगे और मुस्कुराते हुए देखते हुए मन ही मन कह रहे हैं जरा बीच में से होके परिक्रमा करके दिखाओ। और भक्त भी अद्भुत था, ऋषि वहीं बैठ गए घुटनों के बल, बोले मैंने तो जिद ठान रखी थी कि केवल आपकी परिक्रमा करूंगा, आज पता लगा कि न शिव अलग है न शक्ति अलग है, आप दोनों तो मिलकर एक ही हो। तो अगर आप अपने घर में ऐसा मेल चाहते हो, प्रेम प्यार बना रहे, तो भगवान शिव के अर्धनारीश्वर वाले रूप का ध्यान करें।